तो आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि सैटरडे संडे का व्लॉग कहाँ पर है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हैं, मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड एक्साइटेड हो गए हैं और वो ज़्यादा ही मतलब इस चैनल को सीरियसली ले चुके हैं। तो उन्होंने सोचा सैटरडे को कि मैं तुम्हारे लिए इस बेडरूम में इतनी अच्छी लाइट फिटिंग करवा देता हूँ कि हमें सॉफ्ट बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली उन्होंने अपना IIT वाला दिमाग लगाकर मेरे इस ड्रेसिंग टेबल का क्या हालत किया है, आप देख सकते हैं। फुल LED लाइट्स उसमें घुसा दी है और ये है एक LED ट्यूब लाइट। तो मोस्टली मेरे हस्बैंड ने ये सारे डिज़ाइन करके संडे को फुल डे उन्होंने यही सब किया। और ये जो एक क्यूट सा आप देख रहे हैं रिमोट, ये है मेरे जो बैकग्राउंड लाइट है उसका रिमोट है। और इस पर जितने भी कलर्स है उतने कलर्स में अभी अपने बैकग्राउंड में लगा सकती हूँ। और ये वही LED लाइट्स है जो मेरी बैकग्राउंड में लगेंगी और ये उसका पैनल है। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि सॉफ्ट बॉक्सेस रखने के लिए बहुत जगह लगती है और बच्चे जहाँ पर होते हैं तो सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो क्यों ना मैं हमारे बेडरूम में ही इतनी ज़्यादा लाइट्स लगा देता हूँ कि तुम्हारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। और मोस्टली मैंने सिस्का LED लाइट्स यूज़ की है और साथ ही साथ सूर्या LED लाइट्स यूज़ की है। तो अगर आप बजट में ऐसा कुछ सेटअप करना चाहते हैं यूट्यूब रूम का, तो आप इन सारी लाइट के मदद से कर सकते हैं और ये उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट देंगे जितना सॉफ्ट बॉक्सेस देता है। एक सॉफ्ट बॉक्स पड़ता है ऑलमोस्ट 6-7 thousand का और मुझे ये पूरी लाइटिंग का सेटअप पड़ा है 5,000 में। और अगर मैं दो सॉफ्ट बॉक्स खरीदती तो ऑलमोस्ट 14-15 thousand लग जाते। तो मैंने आधे से भी कम पैसों में ये पूरी रूम का सेटअप कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको भी यूट्यूब का रूम सेटअप करना है। पर हाँ, इस सेटअप में आपका जो बेडरूम का ऐसी बाट लग जाती है, कुछ लुक नहीं बचता है क्योंकि आपने इतने सारे लाइट्स लगाए हैं। बट नो वरीज, ये मेरा रेंट हाउस है तो मुझे इतना ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। और ये जो भैया है, यही इलेक्ट्रिशियन भैया है जिन्होंने मेरे घर में पूरी लाइटिंग लगा के दी है। और उन्होंने हम लोगों ने वो भैया को भी काफ़ी भगाया, यहाँ पे लगाओ ऐसे करो। एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड फर्स्ट, जो कि मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड है और उन्होंने ही सोचा कि दिवाली पर मैं तुम्हारे मतलब हमारे बेडरूम पे फुल लाइट कर दूंगा। और ये है अभी इसका फाइनल लुक। अभी आप देखेंगे सारी लाइट्स लग गई है और वो एक रॉड भी लगाया है, आप मिरर में देख सकते हैं। वो मेरे बैकग्राउंड में रहेगा जिसके ऊपर मैं कुछ नाइस मतलब चीज़ें हैंग करके अपने बैकग्राउंड को और ब्यूटीफुल बनाऊंगी। तो पहले मेरे कमरे में जो लाइटिंग थी वो इस तरह से थी, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है, मतलब इसमें डे लाइट भी है। उसके बाद थोड़ी लाइट्स लगाने के बाद इस तरह से मेरे रूम में ब्राइटनेस हो गई, पर ये ब्राइटनेस कैसे, थोड़ी सी मतलब स्टेबल नहीं थी। फिर हम लोगों ने और काम किया और फिर उसको फाइनल, मैं अभी आपको दिखाऊंगी फाइनल कैसा बना है। तो ये बना था उसके बाद फाइनल वाला जिसमें लाइट प्रॉपर थी, क्योंकि जितनी आपको यहाँ पे ब्राइटनेस दिख रही है उतनी मतलब ज़रूरत होती है जिससे आपके वीडियो और उठ के आते हैं। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ और आपको थोड़ा सा मेरा परफॉर्मेंस, क्रेज़ी परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड में हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइज, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उसके बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि यस, इस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए जिससे ये और अच्छे से वीडियो बना पाए। तो यस, बैकग्राउंड में जस्ट चल चल म्यूज़िक चल रहा है, यही होता है जब भी मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे जो सॉन्ग्स है काफ़ी एनर्जी देते हैं और एनर्जी देखते हैं तो मैं ऑब्वियसली हैप्पी दिखती हूँ। और ये जो ओवरऑल आपने मेरे बैकग्राउंड में देखा है, ये ओवरऑल सेटअप है और आप ब्राइटनेस भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। एंड जस्ट चल चल मेरा फेवरेट सॉन्ग है बाय द वे। और उसके साथ साथ मतलब ऑलमोस्ट 99% फुल सेटअप हो चुका है। ओह माय गॉड, मतलब मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइस, मतलब मैं आपके लिए कितना भी थैंक यू बोलूँ ना, मुझे लगता है कि वो कम है।
एंड मुझे म्यूज़िक इतना ज़्यादा हैप्पी बना देता है कि आप मेरे फेस पे देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं ऑफिस में जो वीडियो बनाती हूँ वो एक्चुअली थोड़े से बोरिंग होते हैं क्योंकि मैं फॉर्मल लुक में होती हूँ, पर जब मैं घर पे वीडियो बनाती हूँ तो मैं फुल ऑन मूड में होती हूँ क्योंकि वो घर है, मैं वहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप लोग सब लोग सही थे कि घर वाले वीडियो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इसलिए मैंने फाइनली मेरे घर में ही बहुत अच्छा यूट्यूब सेटअप कर दिया है जिसकी मदद से अभी मैं आपको एकदम ढासू वीडियो दे पाऊंगी, और ऑफिस में से मैं प्रोफेशनल वीडियो शूट करूंगी ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए। सो ये ओवरऑल संडे और सैटरडे मैंने यही सारी चीज़ें की, और रात के 12 बजे शायद मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही थी, और ये एक एक्सपेरिमेंट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच माय डियर हस्बैंड, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। एंड सेकेंडली थैंक यू सो मच यू गाइस, यू आर ऑल्सो ऑसम, बिकॉज ऑफ यू टुडे आई एम हियर।